Hello everybody, welcome to our channel. In today's video, we are going to discuss the part 3 of our chapter Anatomy of Flowering Plants. अगर आपने पहले इससे पहले दो parts नहीं देखे हैं इस chapter के, तो please description box में link given है, आप वहाँ से जाकर इस chapter के बाकी के दो parts देख सकते हैं. पहले उन parts को cover करिए, उसके बाद इस third part पे आइए, तो आपको ज़्यादा benefit मिलेगा. तो चलिए, अगर आप हमारे channel पर new है तो subscribe कर लीजिए, और अगर ये video आपको पसंद है तो like और share ज़रूर करिए. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स. अगर हमें किसी भी डाइकॉट या मोनोकॉट प्लांट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो या फिर हम किसी भी लीफ या स्टेम या फिर किसी टिश्यू सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें किसी भी डाइकॉट या मोनोकॉट प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन देख लेना चाहिए. यानी कि उसको बीच में से काट के देखेंगे तो हमें काफ़ी सारी लेयर्स उसके अंदर देखने को मिलेंगी, जो कि हमने पहले शुरुआत में ही चैप्टर शुरू करने के टाइम पर ही पढ़ा था. तो उसको हम यहाँ पर कोरिलेट करेंगे. जनरली अब हम देखते हैं डाइकॉट जो रूट होती है हमारी, उसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, जो हमारा फिगर है, देखते हैं फिगर कौन सा है. दिस वन इज़ द फिगर. इसके अंदर क्या है, आप देख सकते हो कि इस फिगर के अंदर आपको सनफ्लावर रूट का ये जो फिगर है, ट्रांसवर्स सेक्शन है ये रूट का, उसके अंदर इंटरनल टिश्यू है वो कुछ इस प्रकार है. सबसे बाहर वाली लेयर है जो वो है एपिब्लेमा, जिसके अंदर जो एपिब्लेमा है वो बाद में क्या करती है, वो यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बना लेती है. रूट के अंदर रूट हेयर्स नहीं होंगे तो वो रूट किस काम की होगी. तो जनरली एपिब्लेमा का काम होता है वो जनरली यूनिसेल्ड क्या बना लेंगे, रूट हेयर्स. ये बाहर की लेयर को हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस. देन जो कॉर्टेक्स है वो जो है उसके पास सेवरल लेयर्स होंगी, पतली पतली लेयर होंगी पैरेन्काइमा सेल्स की, जिनके बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा, यानी कि जिनके बीच में थोड़ा आपको स्पेस देखने को मिलेगा दो सेल्स के बीच में. उसके बाद हम आ जाते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस. जो कॉर्टेक्स था हमारा, उसके अंदर जो अब देखो आपसे एक बहुत ईजी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि जनरली हमारा कॉर्टेक्स था क्या. कॉर्टेक्स के अंदर तीन लेयर थी, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड जनरल कॉर्टेक्स. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनके अंदर सबसे जो आपको देखने को लेयर देखने को मिलेगी वो होगी इनर मोस्ट लेयर, जो हमारी कहलाएगी एंडोडर्मिस. ठीक है, कॉर्टेक्स की सबसे लास्ट वाली लेयर कौन सी होती है, एंडोडर्मिस. इट कंप्राइज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस. जो आपकी एपिडर्मिस होती है उसके अंदर आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा उनकी सेल्स के बीच में, और एंडोडर्मिस के अंदर जो कॉर्टेक्स की सबसे इनर साइड वाली होती है उसके अंदर आपको कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा. तो इंटरसेलुलर स्पेस एक सेकेंड जो है यहाँ पर एबसेंट होता है. द टेंजेंटियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्पेरिएबल वैक्सी मटीरियल सबमरीन इन द फॉर्म ऑफ कैस्परिन रिंग्स. कैस्परिन रिंग्स के फॉर्म में जो आपकी वाटर इम्पेरिएबल थिंग्स होती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगी आपकी, और उसके साथ साथ क्या होगा, इसके अंदर पेरीसाइकिल भी देखने को मिलेगा, जो कि हमारा ये कैस्परिन रिंग से ही फॉर्म्ड है. उसके बाद हम क्या देखेंगे, किसी भी इंटरसेलुलर स्पेस के बिना होता है हमारा एंडोडर्मिस. ये इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, और इसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल, बैरल शेप्ड की सेल्स के एक सिंगल लेयर बनी हुई होती है. द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्म्स सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ सबमरीन इन द फॉर्म ऑफ कैस्परिन स्ट्रिप्स. नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस देयर इज अ पेरीसाइकिल. एंडोडर्मिस की बिल्कुल नेक्स्ट जो नेक्स्ट लेयर आएगी वो क्या होगी आपकी, पेरीसाइकिल. पेरीसाइकिल क्या होगी, अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइटमस सेल. ठीक है, एक पैरेन्काइटमस सेल्स की एक थिक लेयर, ठीक है, थिक लेयर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीसाइकिल. देन उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर इनिशिएशन किस चीज़ का होगा, लेटरल इनिशिएशन होगा. वैस्कुलर कैम्बियम जो है इसके अंदर किस तरह की ग्रोथ शो करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ. उसके बाद पिथ जो है इसके अंदर स्मॉल होगा, और आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा जो आपका पिथ है इसके अंदर आपके पेरीसाइकिल के बाद जो नेक्स्ट लेयर होगी वो होगी आपकी पिथ की लेयर. उसके अंदर आप क्या देखने को मिलेगा, अगर वो डेवलप्ड है तो वो आपको डाइकॉट स्टेम के अंदर देखने को मिलेगी, और अगर वो डेवलप्ड मोनोकॉट के अंदर देखने को मिलेगी तो वो मोनोकॉट रूट के अंदर देखने को मिलेगी. इसका मतलब कहाँ कहाँ एब्सेंट होगी आपकी पिथ, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट के अंदर. ओके, तो मैंने ये जो बोला वो मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ. डेवलप्ड जो है आपको देखने को मिलेगी डाइकॉट स्टेम के अंदर, और कहाँ देखने को मिलेगी, मोनोकॉट रूट के अंदर. और एब्सेंट कहाँ पर होगी, यानी कि कहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी पिथ, मोनोकॉट स्टेम के अंदर और डाइकॉट रूट के अंदर. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं.
आगे जाते हैं, हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, जो हमारे पैरेन्काइटमस सेल होते हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे। पैरेन्काइटमस सेल जो हैं आपके, वो आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच में जब देखने को मिलेंगे, तब उन टिश्यू उसको हम क्या कहेंगे, कंजक्टिव टिश्यू। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, द पैरेन्काइटमस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपका यही लिखा हुआ है। These are usually 2 to 4 xylem and phloem patches. यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेंगे, दो या दो से ज़्यादा आपको xylem और phloem के patches देखने को मिलेंगे, और यानी कि generally number क्या होता है, 2 से लेके 6 तक, और 6 से ज़्यादा किस में आपको देखने को मिलेंगे, मोनोकॉट में। उसके बाद all tissues on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle, pith, ये सब क्या बनाते हैं मिलके, स्टील। ये हमने पहले ही देखा था कि ये सब मिलके क्या बनाएंगे, स्टील। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर पे। अब देखो, अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिल रहा है, कॉर्टेक्स हो गई है, यहाँ एपिडर्मिस हो गया, यहाँ पर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ, फ्लोएम। तो आप यहाँ पिथ देख रहे हो, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, पिथ जो है यहाँ पर डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। डेवलप्ड कहाँ पर होगी, मोनोकॉट रूट के अंदर और डायकॉट स्टेम के अंदर, ठीक है। तो डायग्राम में आपको ये डिफरेंस पता चल गया। अब हम आ गए मोनोकॉट रूट के अंदर। द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डायकॉट रूट, ठीक है। डायकॉट रूट की तरह ही होती है एनाटॉमी मोनोकॉट रूट की भी, बट इसके अंदर कुछ डिफरेंस होते हैं, जो क्या होंगे, इसके अंदर 6 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे पॉली आर्च, यानी कि जाइलम और फ्लोएम 6 से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जबकि डायकॉट में जो है 2 से लेके 4 आपको जाइलम बंडल्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो यही इसमें मेन डिफरेंस है। इट हैज़, इसके पास एपिडर्मिस भी है, कॉर्टेक्स भी है, एंडोडर्मिस भी है, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, ये सभी हैं एज कम्पेयर टू द डायकॉट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल्स। मेन डिफरेंस क्या है, जाइलम बंडल्स जो हैं आपके डायकॉट रूट के पास कम थे और इसके पास ज़्यादा नंबर्स में होंगे। देन आर यूजली मोर देन 6, ठीक है, जाइलम बंडल्स, जिनको हम कहते हैं पॉली आर्क इन द मोनोकॉट रूट। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। लार्ज और वेल डेवलप्ड का मतलब यहाँ क्या हो गया, देखो वहाँ पे आपको सिर्फ बहुत कम देखने को मिल रही थी, कम नंबर में आपको पिथ देखने को मिल रही थी, वो भी डेवलप नहीं थी, और यहाँ पे आपकी पिथ पूरी तरह डेवलप्ड है, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस है। मोनोकॉट रूट्स डू नॉट गो अंडर गो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। और हमने देखा था कि हमारे जो डायकॉट रूट है उसके अंदर कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, सेकेंडरी ग्रोथ, ओके, किसके अंदर, वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर। चलिए आगे चलते हैं, आपको यहाँ डिफरेंस भी देखने को मिल गया कि यहाँ पर रूट हेयर प्रेजेंट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पिथ, मेटाजाइलम, ठीक है, मोनोकॉट रूट के अंदर सब प्रेजेंट है, और मेन डिफरेंस क्या है, पिथ जो है वो डेवलप्ड है। अब आ जाते हैं हम डायकॉट स्टेम के अंदर। डायकॉट स्टेम में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक यंग डायकॉट स्टेम हम पहले ही देख चुके हैं डायकॉट स्टेम के अंदर, तो इसमें हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसको हम एक बार आपको बनाकर दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था, एक बार यहाँ फिर बना देते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो कि एपिडर्मिस है, उसके बाद इनर लेयर, ठीक है, जो कि आपकी है हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, देन आपकी आ जाती है नेक्स्ट, ये हो गई आपकी जनरल, जी सी लिख देती हूँ, जनरल कॉर्टेक्स, देन आ जाती है नेक्स्ट सबसे इनर लेयर एंडोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जो हमारी हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस मिलके बनाते हैं कॉर्टेक्स, सी लिख देती हूँ, कॉर्टेक्स। उसके बाद हमें देखने को मिलेगी पेरिसाइकिल की लेयर, ठीक है, कैसी लेयर देखने को मिलेगी, पेरिसाइकिल की लेयर, इसको बना देते हैं पी। उसके बाद आपको इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जो कि होंगे वैस्क्यूलर बंडल्स, कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो आपको बीच में यहाँ डॉटेड कुछ पार्ट आपको देखने को जो मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, पिथ, जो कि किसका बना हुआ होता है, पैरेन्काइटमस नेचर का, यानी कि पैरेन्काइमस सेल्स का बना हुआ होता है। उसके बाद हम देखेंगे तो इसके अंदर जो है, अगर ये पिथ जो है इन वैस्कुलर बंडल्स से थोड़ा बाहर जा रही है एक डायरेक्शन में, ये जो एक डायरेक्शन में से ये बाहर जा रही है, तो इस वाले डायरेक्शन वाले पिथ को क्या कहेंगे, पिथ रे, ठीक है। यही था आपका कुछ एक तरीके से आपका डायकॉट स्टेम का जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, आपका पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल और पिथ रे मिलके क्या बनाते हैं,
स्टील। ओके, तो ये जरूर ध्यान रखना। आइए चलिए इसमें जान लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकॉट स्टेम इज नोन एज द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। हमने अभी देखा हमारी बाहरी लेयर क्या थी, एपिडर्मिस, जो कि बाद में कवर्ड होती है एक थिन लेयर से क्यूटिकल की। इट मे बी अ ट्राइकोम्स, जो स्टेम के ऊपर देखने को मिलते हैं हमें ट्राइकोम्स, और रूट हेयर्स कहाँ देखने को मिलेंगे, रूट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेम की बात हो रही है तो ट्राइकोम्स देखने को मिलेंगे। द सेल अरेंज्ड इन मल्टी लेयर मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। जो एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो कैप बनाती हैं हमारा कॉर्टेक्स, और वो लेयर क्या होती है, जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री जोन्स, सब जोन्स। द आउटर जो लेयर होती है उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस, कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर ऑफ, किस तरह का नेचर होता है, कॉलन काइटमस सेल्स। ठीक है, इसका मतलब किसकी बनी हुई होंगी, कॉलन काइटमस है तो कॉलन काइमा की, पैरन काइटमस होता है तो पैरन काइमा की। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम, कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंड थिन वॉल्ड पैरन काइटमस सेल। देखो इस थ्योरी के अंदर आप खो जाओगे, तो मैं जनरली क्या इसको रीड आउट कर रही हूँ, आपको क्या करना है, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था कुछ टाइम पहले कुछ लेयर्स का, आपको वो ध्यान रखना है, उससे आपको हर लेयर याद रहेगी कि किस लेयर के बाद कौन सी लेयर है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस, जो कि हमने अभी पढ़ा। द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर टू एज स्टार्च शीथ। जो हम डाइकॉट स्टेम है उसको हम एक तरीके से उसकी लेयर को क्या कहते हैं, स्टार्च शीथ भी कहते हैं, बिकॉज इसकी जो एंडोडर्मिस की लेयर है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ क्या देखने को मिलता है, स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है, उसके बाद हम एक और चीज़ देखेंगे, हमारी पेरिसाइकल जो है वो भी प्रेजेंट होगी इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद एक और लेयर होगी जो कि होगी पेरिसाइकल, और जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होगी, फ्लोएम के ऊपर। फ्लोएम हमने बनाया था जाइलम फ्लोएम, ठीक है, तो उसके अंदर फ्लोएम के ऊपर जो प्रेजेंट होगी उसको हम कहेंगे पेरिसाइकल, विच फॉर्म द सेमी ल्यूनियर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के बहुत ज़्यादा पैचेस यहाँ देखने को मिलते हैं एक तरीके वैस्कुलर बंडल टाइप में। और उसके बाद हम देखते हैं वैस्कुलर बंडन के बीच में यहाँ पर कुछ लेयर्स देखने को मिलेंगी रेडियली, जो कि किसकी बनी होंगी, पैरेनकाइटमस सेल की, जिनके पास क्या होंगी, मेडुलरी रेज। व्हाट इज मेडुलरी रेज, दीज आर नोन एज पिथ रेज। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे जो कि एक रिंग के समान हमें देखने को मिलेंगे। रिंग की अरेंजमेंट कैसी होगी, वैस्कुलर बंडल जो है वो डाइकॉट स्टेम में आपको देखने को मिलेंगे। हर एक वैस्कुलर बंडल जो है उसके पास कई तरह की ओपनिंग, मतलब कई तरह के सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हो सकता है ओपन वैस्कुलर बंडल, क्लोज वैस्कुलर बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल या फिर कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेनकाइटमस सेल विद लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम कंस्टिट्यूट द पिथ। एक ज़्यादा अमाउंट में हमें जब देखने को मिलता है पैरेनकाइटमस सेल के साथ कुछ इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को मिल रहा है, जो कि सेल का कुछ पोर्शन जो है वो स्टेम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, पिथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहला जो आपका पार्ट है, एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट आपका मोनोकॉट का पार्ट है और ये वाला पार्ट आपका डाइकॉट का पार्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हो सारी लेयर्स बिल्कुल सही से आपको देखने को मिल रही हैं। उसके अंदर देखो एपिडर्मिस बिल्कुल बाहर की तरफ प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस, सारी लेयर आपस में बिल्कुल क्लियरली शो हो रही हैं, बट यहाँ पर आपकी जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो बिखरे हुए हैं। ठीक है, मोनोकॉट में जो है बिखरे हुए एक तरीके से पूरे सेल के अंदर, यही इसके अंदर मेन डिफरेंस होता है कि आपको मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर जो आपके डाइकॉट होते हैं उसके अंदर जाइलम, बिल्कुल जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर जो बंडल होते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और मोनोकॉट के अंदर आपके जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो एक तरीके से सब जगह फैले हुए होते हैं। अब आ जाते हैं हम मोनोकॉट स्टेम के ऊपर। जैसे हमने अभी डाइकॉट स्टेम पढ़ा है उसी तरह हम पढ़ने वाले हैं मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। द मोनोकॉट स्टेम हैज़ अ स्क्लेरेनकाइटमा स्क्लेरेनकाइटमस हाइपोडर्मिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी हाइपोडर्मिस की जो लेयर हुई वो किसकी बनी होगी, स्क्लेरेनकाइमा की, जबकि आपके डाइकॉट स्टेम के अंदर जो हाइपोडर्मिस की लेयर थी वो किसकी बनी थी, कॉलनकाइमा की। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक डिफरेंस पता चल गया। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, स्कैटर्ड मतलब फैले हुए जगह जगह पर, ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो हर एक जो वैस्कुलर बंडल होता है वो सराउंडेड होता है स्क्लेरेनकाइटमस बंडल शीथ से। ठीक है, जैसे पैरेनकाइमा वाले सेल्स में पैरेनकाइटमस नेचर होता था, उसी तरह स्क्लेरेनकाइमा वाले जो सेल्स होते हैं उनके अंदर स्क्लेरेनकाइटमस नेचर होता है।
Then conspicuous parenchymatous ground tissue, vascular bundles are conjoint and closed. मोनोकोट स्टेम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे, जबकि आपको डायकॉट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कॉन्जॉइंट भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर, पेरिफेरल जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जनरली छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस, यानी कि जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो छोटे होंगे वैस्कुलर बंडल एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट इन सेंटर, ठीक है, सेंटर में जो प्रेजेंट होंगे उनसे। द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम वाली पेरेन्काइमा यहाँ पे एब्सेंट होगी, वाटर कंटेनिंग कैविटीज होंगी वो प्रेजेंट होंगी कहाँ पर, वैस्कुलर बंडल के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये वाला पार्ट जो है अपना कंप्लीट किया, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, प्लीज़ बी पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रखिए आप अपने अंदर, और मैं ट्राई करूँगी इस चैप्टर को जल्द से जल्द ख़त्म करने का। उससे पहले आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बुक्स के लिंक गिवन है, आप वो बुक्स बाय कर सकते हो, आप वो बुक्स खरीद सकते हो। ऐसा क्यों, बिकॉज आपको क्या है, आपको वो बुक्स हेल्प करेंगी, आप यहाँ से पढ़ तो लोगे, बट सेल्फ स्टडी में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपके पास क्वेश्चंस नहीं होते ट्राई करने के लिए। सो आप वो क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए क्या करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी बुक्स के लिंक्स गिवन है, आप उनमें से कोई सी भी एक बुक खरीदो, ठीक है। आई सजेस्ट या तो अरिहंत की या एमटीजी की कोई भी बुक खरीद लो आप, बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, उसके अंदर आपको लास्ट 30 ईयर्स तक के आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, वो भी चैप्टर वाइज। इससे क्या होगा, अगर आपने अपना चैप्टर अभी पढ़ लिया है तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करोगे जो प्रीवियस ईयर में नीट में आ चुके हैं। याद रखो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए हैं और आपने ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।